नमस्कार, मैं संगीता झा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। आज मैं आप पहुंची हूं एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में, जहां मेरे साथ मौजूद हैं साइंटिस्ट एस कुमार जी। आज हम उनसे जानेंगे डायबिटीज को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि फ्रांस के सीनेट निकोजिन पहले ही उन्हें भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया है। साथ ही उन्हें रशिया के एक यूनिवर्सिटी, जानी मानी यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें सम्मानित करने के लिए बुलाया हुआ है। इसी को लेकर हम विस्तार में उनसे जानेंगे और साथ ही डायबिटीज को लेकर उनकी क्या रिसर्च है, वो क्या कहते हैं, इसको लेकर जानेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ सर, हम जानना चाहेंगे कि शुगर, जो कि जिन्हें भी शुगर होता है, जिन्हें भी डायबिटीज होती है, वो चेकअप कराते हैं सिर्फ दो, लेकिन आपका कहना है कि 6 तरह के टेस्ट होते हैं, तो इस पर आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जनरली जो मेडिकल बुक्स में दिए गए हैं और जनरली जो टेस्ट होते हैं, वो फास्टिंग शुगर, पोस्टमेन शुगर एक्यूरेसी, और जो बाकी जो टेस्ट हम बता रहे हैं वो भी मेडिकल बुक्स में दिए हुए हैं, हमने नहीं बनाए हैं। फास्टिंग, पोस्टमेन और एच्यूरेसी तीन ही टेस्ट होते हैं, जिसके भरोसे पे आप ये नहीं कह सकते कि आपको डायबिटीज है। आपके ब्लड में शर्करा का स्तर ये नहीं डिनोट करता है कि आपको डायबिटीज है। अगर डायबिटीज की बात करें तो एक आम भावना है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है। आम भावना ये है कि आपके बॉडी में आपके जो बीटा सेल पूरे कार्यरत नहीं है, बनी नहीं रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको ऐसे भी टेस्ट करना जरूरी है कि पहले ये तो बता लें कि वाकई में जो हमारी जो भ्रांतियां हैं दिमाग में, ये नहीं बन रहा है। तो उसका एक टेस्ट होता है जो फास्टिंग सीरम इंसुलिन, जैसे हम लोग ब्लड देखते हैं वैसे इंसुलिन भी देखा जाना चाहिए। दूसरा एक सी पेप्टाइड, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आज भारत में लोग, कई करोड़ लोग हैं जो पहली बार सी पेप्टाइड का नाम सुन रहे हैं। सी पेप्टाइड का अर्थ ये होता है कि ये आपके बॉडी के अंदर तभी पाया जाता है जब आपके बॉडी में इंसुलिन बनती हो। अगर नहीं बन रही है तो आपके बॉडी में नहीं पाया जाएगा। जैसे हम लोग बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, इंसुलिन उसमें ये कभी नहीं पाया जाता। इंसुलिन क्या होता है, ये थोड़ा डिटेल्स। देखिए, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे पैंक्रियाटिक जो बीटा, पैंक्रियाटिक जो ग्रंथियां होती है उसके बीटा सेल से बनता है, और ये आपके शुगर को, जो कोशिका है उसको के अंदर जो लॉक होते हैं जिसको, उसको ओपनिंग का काम करता है। अगर ये नहीं है तो शुगर आपकी बढ़ी हुई आएगी, क्योंकि आपके जो रिसेप्टर है वो आपके ब्लॉक है, तो आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। ये इंसुलिन का काम होता है। तो पहले ये तो पता लगा लें कि इंसुलिन आपके बॉडी में बन रही है या नहीं बन रही है। तो ये टेस्ट कोई भी डॉक्टर्स नहीं कराते भारत में। तीसरा टेस्ट होता है होमोस्टेसिस फॉर मॉडल असेसमेंट, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस गिना जाता है कि आपके बॉडी का कितना है। तीसरा, इसमें आपके बॉडी के अंदर कितने बीटा सेल बन रहे हैं आपके पैंक्रियाटिक सेल में और उसकी कार्यक्षमता क्या है। जिसे हम किसी भी चीज के लिए जड़ तक जाते हैं, वैसे डायबिटीज की जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। हमने हमारे यहाँ पाया है जो 50 से ज्यादा सेंटर हमारे भारत में है कि करीब 100% लोग, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 100% लोग जो हमारे पास आते हैं जिनको 15 साल 25 साल 30 साल 40 साल से डायबिटीज करके घोषित कर दिया गया है, वो इंसुलिन टैबलेट लेते हैं क्योंकि ये सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं। अब मुझे बताइए, अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही बीटा से और शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका कॉज अलग है, जिसको हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को सेंसिटाइज करके अगर खोल दिया जाए तो शुगर अपने आप अंदर रहते, आपको इंसुलिन और जरूरत नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं कि कई ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं जिन्हें की शुगर नहीं होता, डायबिटीज नहीं होता है, बावजूद इसके वो मेडिसिन ले रहे हैं और इंसुलिन ले रहे हैं। ये कुछ नहीं, सभी पेशेंट। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आज भारत के 50 सेंटर होने के बावजूद मेरे पास एक भी पेशेंट ऐसा नहीं आया है इन इतने दिनों में जिसको डायबिटीज साइंस करार दे सके, क्योंकि उनमें सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो उसको कैसे बुक कहेंगे हम लोग उनको डायबिटीज से करके। लेकिन इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि तीन टेस्ट आपको डिनोट नहीं करते कि आपको डायबिटीज है। अगर वो जो गेट पर इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं, पूरे वर्ल्ड में सारे डॉक्टर को मालूम है इंसुलिन रेजिस्टेंस,
तो रेजिस्टेंस को अगर इसका खत्म कर दिया जाए, रेजिस्टेंस को अगर सेंसिटाइज कर दिया जाए, तो शुगर अपने आप आपके कोशिकाओं में आती है तो बाहर नहीं मिलेगी। तो डायबिटीज में तो स्तर जो बता रहे हैं, डायबिटीज अगर स्तर उसमें बढ़ा हुआ नहीं पाया गया तो उसको डायबिटीज कैसे बोलेंगे आप? तो इसलिए मैं साइंस की भाषा, साइंस ये दावा करता है कि भारत में डायबिटीज नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि उसके पैमाने आपने अलग तरह से ढूंढे। इस चीज को समझने के लिए आपको ओपन माइंड से आपको देखना पड़ेगा, आपको ओपन माइंड से सोचना पड़ेगा, तभी आपको इसमें सोल्यूशन मिलता है। मुझे बताइए, जब हर चीज में सोल्यूशन मिला है, टाइफाइड से लेके मलेरिया, टीबी तक, आज तो पोलियो तक एरिडिकेट हो गया, फिर डायबिटीज में क्यों हो रहा है? डायबिटीज में तो इन्वेस्टमेंट सब लोग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, R&D में काम पैसा चल रहा है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आ गए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल आ रहे हैं, खुद डॉक्टर लोग इससे परेशान है, उनकी फैमिली परेशान है। तो इसको अगर उसमें रास्ता नहीं मिल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं विकल्प तो ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा? इधर आने वाली जो जनरेशन है भाई, उसको भी क्या आप ऐसे ही कर देंगे? आज जो पूरे वर्ल्ड के 8% लोग जो है डायरेक्ट डायबिटीज है, तो प्री डायबिटीज कम से कम 25% लोग हैं। तो जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले में तो हवा हो जाएगा, क्योंकि डायबिटीज से कोई मरता नहीं है। डायबिटीज के जो साइड इफेक्ट है, जैसे आंख का खराब होना, आपकी किडनी खराब होना, लीवर खराब होना, सेक्सुअल प्रॉब्लम, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि कई लोगों की मैरिजेस तक खतर टूट जाती है इससे। अगर पता लग गया कि शादी के बाद डायबिटीज है, तो लोगों की शादियां नहीं होती है। तो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, जिसके ऊपर मुझे क्या कर भारत के उस डॉक्टर ने काम सोचना चाहिए कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो नहीं बनाता, हमें रास्ता बदलना चाहिए। तो ये साइंस ने रास्ता दिया है कि ये टेस्ट करके देखिए, और इससे 100% जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं पूरे भारत को, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि वो डायबिटीज से बिल्कुल ना डरे। आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सोल्यूशन जो सही है ये टेस्ट कराएं, और आपके जहां भी आप जिस गांव, जिस शहर में रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, आप उनके ये रिपोर्ट निकाल के आप उनसे बात करें, ताकि वो आपको सोल्यूशन दे सके, और सोल्यूशन दे सारी चीजें ठीक हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको डायबिटीज किलर भी कहा जाता है, थोड़ा बताइए। देखिए, अगर किसी आदमी को जो सालों से परेशान है, जिसको 25 साल से परेशान है, उसकी इंसुलिन छूट गई, उसकी टैबलेट छूट गई, ऐसे हजारों पेशेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे की इंसुलिन छूट जाती है, तो वो लोग तो नेचुरली डायबिटिक किलर बोलना चालू कर दिया कि डायबिटिक किलर है। जब वो डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाती है तो नेचुरली वो लोग बोल रहे कि डायबिटिक किलर है। तो मैं नाम मुझे दिया हुआ नहीं है, मैंने नहीं दिया, लोगों ने दिया, कि उनको इतना मालूम है कि अगर डॉक्टर कुमार जो बोल रहे हैं वो सही है, तो 100% लोग बोलने वाले उनको हम तो बोल नहीं सकते, मना तो नहीं कर सकते। आप तो टेस्ट की बात कर रहे हैं कि हाँ टेस्ट करना चाहिए, 6 प्रकार के टेस्ट करिए, आपको इंसुलिन और मेडिकल जो भी आप दवाई ले रहे हैं उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपको डायबिटीज है या नहीं ये जानने के लिए। अगर किसी को डायबिटीज है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जब डायबिटीज नाम आया है तो जाहिर सी बात है ये किसी न किसी में तो है ही, हर किसी में नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट क्या करें जिन्हें डायबिटीज है? अगर जिनके इसमें जैसे मैंने सी पेप्टाइड अगर नहीं बन रहा है, तो उनके डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएं। पूरे भारत में इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनसे जाके फिर वहाँ पर एक ही चीज़ है कि आपको इंसुलिन लेना है। तो लेकिन ऐसा परसेंटेज बहुत कम है, ऐसे पेशेंट्स का हजारों में 2 या 3 पेशेंट्स होते हैं जिनको वाकई में डायबिटीज है, जिनके बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रही, तो उनको इंसुलिन लेना ही है, लेकिन परसेंटेज जो है बहुत कम है। इंसुलिन अगर नहीं लेना हो, इंसुलिन से बचने के लिए ऐसे पेशेंट क्या करें जिन्हें डायबिटीज? नहीं, इंसुलिन का कोई विकल्प नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इंसुलिन उसका विकल्प नहीं है, उसका कोई सलूशन नहीं है, वहाँ पे तो उनको लेना ही पड़ेगा। कई पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि हम इंसुलिन नहीं लेना चाहते, अगर इसका कोई और तरीका हो जिससे डायबिटीज ठीक हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, नहीं कोई बोलेगा कि बिना इंसुलिन के लोग ठीक हो जाए। अगर डायबिटीज है तो अगर आपका सी पेप्टाइड 0.8 से नीचे है, इंसुलिन नहीं बन रही है, तो उन्हें इंसुलिन लेना ही चाहिए, इंसुलिन के द्वारा उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है उनके लिए। लेकिन परसेंटेज बहुत कम, 1,000 1,00,000 में 2 या 3 पेशेंट बनेंगे आपको ऐसे।
आज क्या हो रहा है, आज 30-40% लोगों से आज जहाँ कहा, अगर 10 लाख में अगर 40% बोला तो 4 लाख हो गए, और जहाँ पे अगर हम 2 या 3 पेशेंट तो परसेंटेज बहुत कम हो गया। हमारे महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, आपको भी किया गया, थोड़ा बताइए इसको लेकर। देखिए ये जो दिया जाता है उन लोगों को दिया जाता है जो आज आपके भारत की सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ एक नया सोच दे रहे हैं, नई दिशा दे रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे लोगों को दिया जाता है। तो उसमें से इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी दैट मैंने जो गौरव पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ है, तो ये हर उस आदमी के लिए मिलता है जो कुछ नया करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो एक प्रेरणादायक चीज़ होती है लाइफ में कि अगर ऐसे मिलते रहे तो हमारे जैसे जो साइंटिस्ट हैं और उनको उत्तेजना मिलती है, काम करने की इंस्पायरेशन मिलती है, और लोग कहते हैं ऐसा मिलते रहना चाहिए हर उस साइंटिस्ट को जो कुछ नया काम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ थे एस कुमार जी, जिनका कहना है कि ज्यादातर लोगों में डायबिटीज नहीं होती है, बावजूद इसके वो इंसुलिन ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, इसी को लेकर एस कुमार जी ने बताया सब कुछ। इसी तरह अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो हमारे साथ बने रहिए। मैं संगीता झा, वॉइस ऑफ भारत।